दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हो टेक्निकल विकास भाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गूगल की हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हो, वो भी न्यू अपडेट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो है गूगल का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। गूगल का एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में प्रोफाइल आइकन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रोफाइल आइकन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ सर्च हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सर्च हिस्ट्री पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करोगे, देखिए कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो के आ जाएगा। तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिलीट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप डिलीट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ डिलीट ऑल टाइम का ऑप्शन दिखाई देगा। डिलीट ऑल टाइम पर आपको क्लिक कर लेना है। डिलीट ऑल टाइम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट ऑल करना है। देन यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डिलीट पर आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप डिलीट पर क्लिक कर देते हो तो आपको जो है पूरी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी होगी, जो जो आपने सर्च किया होगा क्रोम पर या गूगल पर। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो कि मेरी हिस्ट्री पूरी डिलीट हो चुकी है। आप इसी तरह अपने गूगल की हिस्ट्री को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बेहतरीन टिप्स एंड स्किल मिलते हैं नई वीडियो में।